यूपी बिहार की बॉर्डर पर पड़ने वाले बलिया के भरौली तिरह बुधवार रात करीब 1:30 बजे का समय था। रोज की तरह ट्रकों की लाइनें और पुलिस कर्मियों और दलाल वसूली में व्यस्त थे। ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। इसी बीच एक ट्रक से जींस और टी शर्ट में 2 व्यक्ति नीचे उतरते हैं। पुलिस कर्मियों को देखते हैं, दलालों को पहचानते हैं। पुलिस कर्मियों और दलालों से अपना ट्रक निकलवाने के लिए भाव और तोल मोल करते हैं, जिसके बाद बात काफी देर तक बनती है। बात होती रहती है लेकिन किसी को भनक नहीं लगती। लेकिन कुछ ही देर बाद एहसास हो जाता है कि मामला कुछ उल्टा है। बलिया के भरौली तिराहा पर अचानक ही पुलिसकर्मियों और दलालों के उस वक्त होश उड़ जाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने घेर रखा है। जीन्स टी शर्ट में ADG वाराणसी पीयूष मोडिया हैं, वहीं दूसरी तरफ DIG आजमगढ़ वैभव कृष्ण। अचानक से हुई इस छापेमारी से भगदड़ मच गई। किसी को कुछ समझ आता, आनन फानन में 2 पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया गया। 16 दलाल मौके पर भी पकड़े गए। कुछ लोग भागने में कामयाब रहे। चूंकि अंधेरा था इसलिए सड़क से खेत की तरफ तमाम लोग भागे। पुलिसकर्मियों ने दौड़ाया तो कुछ को पकड़ भी लिया। अचानक ही पुलिसकर्मियों और दलालों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें एहसास भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में कोई उनकी छापेमारी करके उन्हें घेर चुका है। बाद में जब वो कुछ समझ पाते तब तक पता चला कि ट्रक से उतरे हुए जीन्स टी शर्ट वाले 2 उनके बड़े अधिकारी, जिनको देख करके वो सन्न रह गए। दोनों ही अधिकारी बक्सर से एक ट्रक में चढ़कर यहां पहुंचे थे। अचानक हुई इस छापेमारी से भगदड़ मचती है। सिर्फ 2 पुलिसकर्मी ही पकड़ में आते हैं और आनन फानन में पूरे जिले की पुलिस वहां पर खड़ी नजर आती है। इस बात की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बलिया के SP देवरंजन वर्मा, ASP दुर्गा तिवारी को पद से तत्काल हटा करके प्रतीक्षारत यानी वेटिंग में डाल दिया गया। इसके अलावा CO शुभ सुचित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। 32वीं वाहिनी PAC में कमांडेंट रहे विक्रांत वीर को तत्काल बलिया का SP बनाकर वहां पोस्टिंग दे दी गई। और इस पूरी छापेमारी के बाद से SO पन्नालाल, चौकी प्रभारी राजेश कुमार प्रभाकर और 7 पुलिसकर्मियों समेत 23 के खिलाफ मुकदमा उसी थाने में दर्ज हो गया है जिसमें इनकी तैनाती थी। थानाध्यक्ष व कोरंटा डीह चौकी के सभी 8 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि वसूली में लिप्त रहे 3 पुलिसकर्मी विष्णु यादव, दीपक मिश्र, बलराम सिंह भाग निकले, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। यानी अब पुलिस के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस ने करीब 37,000 रुपए बरामद किए हैं, 14 बाइक मिली हैं, 25 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए हैं और शासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और CO, SO, चौकी प्रभारी और इन सब की संपत्तियों की विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायत ADG के नेतृत्व में बुधवार की रात को ये बड़ी कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि बलिया की पुलिस और वहां के LIO को भनक तक नहीं लगी। बलिया पुलिस को भी विश्वास में नहीं लिया गया। भरौली तिराहा नरई थाना क्षेत्र में आता है और इस चेक पोस्ट पर कोरंटा डीह चौकी के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगती है। यहां से बिहार के बक्सर की ओर जाने वाले ट्रकों से सालों से अवैध वसूली की जा रही थी और इसका जो आंकड़ा DIG ने दिया था वो बेहद चौंकाने वाला है। ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायतें अधिकारियों को लंबे समय से मिल रही थी। बक्सर में माइनिंग होती है और उधर से ट्रकों में बालू, मिट्टी, पशुओं की और कोयले आदि को यहां ला करके डंप किया जाता है। शिकायतों की पुष्टि के लिए अधिकारियों की पुलिस टीम के साथ वहां पर मौके पर पहुंच कर खुद रेकी कराई थी। DIG वैभव कृष्ण ने यह भी बताया कि भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ADG और उन्होंने पहले से ही मौके पर जाकर के इसकी रेकी की थी, खुद पुष्टि की थी, फिर योजना बना करके प्लानिंग के साथ छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि यहाँ से हर दिन करीब 1,000 ट्रक होकर गुजरते हैं। हर ट्रक से ये पुलिसकर्मी 500-500 रुपए की वसूली करते हैं, यानी साल में करीब 18 करोड़ के आसपास ये पूरा आंकड़ा बैठता है। छापेमारी के समय पहले से ही 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब दलालों को भी दबोचा गया है और उनको भी जेल भेजा जा रहा है। ये टीम बाद में जब कोरंटा डीह चौकी पहुंची तो वहां भी वसूली की जा रही थी। वहां से 1 सिपाही और 1 दलाल मौके से फरार हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस तरह की कार्रवाई चल रही है।
आपको बता दें अगर 500-500 रुपए प्रति ट्रक के हिसाब से जैसा कि डीआईजी ने दावा किया है उस मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए महीने की और सालाना 18 करोड़ रुपए की पुलिस वसूली करती है। यानी आप ये समझिए कि क्या कोई थाना अध्यक्ष सिर्फ एक जगह बैठ करके 1.5 करोड़ रुपए की वसूली करने के बाद पचा सकता है। सवाल तमाम उठ रहे हैं कि इसका पैसा बहुत दूर तक जाता था। बताया जा रहा है कि इसका बड़ा हिस्सा बिहार पुलिस के थानों को भी दिया जाता है। डीआईजी ने यह भी बताया कि इस प्रकरण की जांच आजमगढ़ के एएसपी शुभम अग्रवाल को सौंपी गई है। थाना अध्यक्ष पन्नेलाल मौके पर नहीं थे, उनका आवास सील कर दिया गया है। पकड़े गए पुलिसकर्मियों के नाम हरदयाल व सतीश गुप्ता हैं। एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी वैभव कृष्ण रात में करीब 9:30 बजे ही बक्सर पहुंच गए। वहां से सादे कपड़ों पर ट्रक में सवार हुए भरौली आए। भरौली चौराहे पर देखा तो ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। 3-4 पुलिसकर्मी कुर्सी में बैठे थे और एक व्यक्ति वसूली कर रहा था। उसके बाद दोनों अधिकारी कोरेंटा डीह चौकी के पास गए, वहां भी वसूली चल रही थी। कुछ दूर जाने के बाद ट्रक मोड़कर फिर बक्सर गए। दोनों अधिकारियों ने छापेमारी की योजना बनाई और फिर भरौली लौट आए। एडीजी ने बक्सर में 3 पुलिस टीमें बनाई थी। भरौली तिराहे से एक रास्ता गाजीपुर, दूसरा रसरा, तीसरा बलिया की ओर जाता है। तीनों टीमों ने अलग अलग रास्तों पर घेरेबंदी की। टीम में प्रयोग किए गए वाहन वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ के नंबर वाले थे। यानी किसी को कोई भनक लगे इससे पहले पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें सेलेक्ट है। उसकी पहले रेकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे पुलिस के साथ मिलके। 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से 1 सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और 1 प्राइवेट कर्मी, 1 व्यक्ति थाने पे जो काम करता था वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के विपक्ष निशाना साध रहा है। खुद अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले पुलिस और चोर आपस में भिड़ते थे, पुलिस चोरों को तलाशती थी, लेकिन अब यूपी में पुलिस बनाम पुलिस हो रहा है। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इस बलिया की डकैत पुलिस पर कार्रवाई की है उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और यह भी साफ संदेश जा रहा है कि पुलिस का अधिकारी चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना रसूख वाला हो, वो सीएम की नजरों से बच नहीं सकता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।